नमस्कार दोस्तों, मैं राम भवन यादव। आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि अगस्त स्टार्टिंग में इसका IPO आया था। 9 अगस्त 2024 को ये शेयर मार्केट में 76 रुपये से लिस्ट हुई है, और लिस्ट होते ही अच्छा खासा इसने अपर सर्किट मारा और 4 से 5 दिन के अंदर ही ये 44% का इस शेयर में उछाल आया। तो सवाल है, क्या इस कंपनी में हमें आगे बने रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी का जो लॉस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूर संकेत मिल रहा है कि कंपनी प्रॉफिट में आ रही, हमें इस कंपनी में बने रहना चाहिए। हमें नहीं कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेके बैठो, लेकिन कुछ ज़रूर खरीद के रखो, अपने पोर्टफोलियो में रखो। आने वाले टाइम में अगर अच्छे रिजल्ट आते तो हम और ऐड कर लेंगे, और थोड़े कंपनी में नेगेटिव न्यूज़ आती है तो हम निकल जाएंगे वहाँ से। तो दोस्तों, जिस तरीके से कंपनी अपने, अभी नई कंपनी है, अपने काम पे ध्यान देगी, मेजरमेंट पे ध्यान देगी, कंपनी प्रॉफिट में आएगी, तो 100% एक शेयर मल्टीवेगर बनने की पोटेंशियल रखता है। तो हमें ऐसे कंपनियों में बने रहना चाहिए। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी मत लो, फिर भी आपके हिसाब से थोड़ा बहुत ज़रूर लेके रखो अपने पोर्टफोलियो में। बाकी अभी तो स्टार्टिंग है, 5-7 दिन हुआ, 3-4 महीना हम वेट करते हैं, एटलीस्ट एक क्वार्टरली रिजल्ट तो आए लिस्टिंग के बाद, कि क्या आता है। फिर उसके बाद ही अगर अच्छा रिजल्ट आया तो हम और ऐड कर लेंगे, नहीं तो अगर नेगेटिव रिजल्ट आया तो वहीं से एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।